अध्यक्ष महोदय, राष्ट्र निर्माता हमारे विद्वान गुरुजन, गांव से पधारे हुए अतिथि और देश का स्वर्णिम भविष्य आप प्यारे बच्चों, जैसा कि विदित है आज हम भारत के दो महान विभूतियों का जन्मदिवस मना रहे हैं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का। बच्चों, गांधी जी ने लाखों भारतीयों और संसार में अनेकों लोगों को अहिंसा रूपी शस्त्र से अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति लड़ना सिखाया, अपने अधिकारों के लिए और स्वतंत्रता के लिए युद्ध करना सिखाया कि एक ऐसा हथियार भी है जिससे हम बिना खून बहाए सत्य के रास्ते पर चलते हुए जीत सकते हैं। ये बात सत्य है कि हम सभी गांधी जी का हमारे असीम हृदय से खूब सम्मान करते हैं, लेकिन गांधी जी का सपना तभी पूरा होगा, हम उनको असली सम्मान तभी दे पाएंगे जब उनके सपने पूरे करेंगे, जब हम सत्य, अहिंसा, समानता, शांति के रास्ते पे चलेंगे, महिलाओं के प्रति सम्मान रखेंगे, तभी हम उनके सपनों को पूरा कर सकते हैं। महात्मा गांधी को हम प्यार से बापू कहते हैं, उनको ये नाम सुभाष चंद्र बोस ने 6 जनवरी 1944 को दी थी। समय था जब उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी कस्तूरबा गांधी जी की, तब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में थे, तो उन्होंने सिंगापुर रेडियो से गांधी जी को संवेदना, उनकी पत्नी के मृत्यु पर गांधी जी को संवेदना देते हुए जब रेडियो पर भाषण दिया तो उनको पहली बार उपाधि दी गई बापू। गांधी जी के नाम के आगे महात्मा लगा हुआ है, महात्मा नाम उनको दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। गांधी जी अपने आप में ही एक प्रेरणा के स्रोत थे, उन्होंने लाखों लोगों को और संसार के लोगों को अपने छोटे छोटे व्यवहार से प्रभावित किया। इसके लिए मैं आपको छोटी छोटी बातें बताती हूँ कि एक बार उनके पास एक छोटा बच्चा आया, उन्होंने देखा कि छोटा बच्चा देखा गांधी जी